फ्रंट पल्ला बैक पल्ला डायरेक्ट कैसे कटिंग होगी ट्राउजर पैंट की, तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज मैं आप लोगों को एकदम इजी स्टेप बताने वाली हूँ। तो फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला एक साथ कैसे चार तरह में कट करेंगे 2 मीटर फैब्रिक में, तो यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो टोटल मैं 16 इंच की चौड़ाई मैं ले ली हूँ, 4 फोल्ड में देख सकते हैं। इस तरह से 4 फोल्ड में आपको बिछा लेना है जो भी आपका पास फैब्रिक हो। तो इस तरह से बिछाने के बाद आप 16 इंच पे बिछा सकते हो। अगर हिप 36 और 40 इंच तक है तो, अगर ज़्यादा है तो आप 18 इंच तक बिछा लेना। उसके बाद नीचे से बराबर करके इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके सीधा कर लेना फ्रेंड। अब मैं सीधा कर ली हूँ, नीचे से मैं 2 इंच फोल्डिंग के लिए लूँगी मोहरी। तो मोहरी में जितना आप फोल्ड करोगे उतना आप लेकर यहाँ से एक मार्क सीधा लगा देना। तो यहाँ से एक सीधा निशान लगा दी हूँ फ्रेंड। तो ये सीधा निशान इसलिए दिया जा रहा है कि बाद में हम फोल्ड करेंगे तो ये फैब्रिक होना चाहिए नीचे से 2 इंच। अब यहाँ से फीता लेके लंबाई पहले ले लेंगे। तो लंबाई हम यहाँ पे 36 इंच का रेडी करेंगे। तो 36 इंच पे पहले निशान एक लगा दूंगी। तो यहाँ से फीता को सीधा पकड़ के इस तरह से आपको निशान लगा लेना है फ्रेंड। उसके बाद कमर की गोलाई आपको नाप लेना है। कमर की गोलाई जितना भी है उसमें आप 3 से 4 प्लस करके यहाँ पे निशान दे देना। मैं 4 निशान देने के बाद 12 इंच पे कमर के निशान लगा ली हूँ। ये निशान 12 इंच पे है। अब यहाँ पे आसन के लिए नीचे की तरफ जाएंगे। तो आसन भी सेम हम हिप के मेजरमेंट से 4 भाग डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना आता है उतना आपको फीता लेके नीचे तक मार्क लगा लेना है। मेरा यहाँ 12 आ रहा है तो मैं 12 इंच पे आसन की निशान लगाई हूँ। तो इस तरह से आपको आसन का निशान लगा लेना है और कमर का निशान लगा लेना है। उसके बाद हिप का निशान लगाना है इसी जगह से। तो आगे की तरफ 2 इंच हम क्रोच एरिया के लिए बढ़ा के लेंगे। जितना कमर आता है उतना ही हिसाब से हम बढ़ती आगे की तरफ लेंगे इस जगह से, ठीक है फ्रेंड। आप इस फार्मूला का ध्यान से आप मान लेना, मान के चलना कि आपका हिप है 36 इंच, तो उसमें आप 4 से डिवाइड करके जितना भी आएगा उसमें 3 से 4 प्लस करके आप इस तरह से दे सकते हो। तो ये क्रोच एरिया मैं दे दी हूँ। यहाँ से हल्का हल्का आपको गोलाई देना, क्योंकि यहाँ पे मुझे म्यानी लगानी है इसलिए मैं डीप नहीं दे रही हूँ। अगर आपको म्यानी नहीं लगाना है तो डीप दे सकते हो, मगर यहाँ पे मैं म्यानी लगाऊंगी इसलिए हल्का क्रोच का मैं गोलाई दी हूँ। अब यहाँ से आसन में जैसे मैं मार्क लगाई हूँ बिल्कुल इस तरह से लगा लूँगी फ्रेंड। अब चलिए बैक पल्ला के लिए भी हम यहाँ से बढ़ती 2 इंच आगे की तरफ रखेंगे ऊपर से। अब यहाँ से फीता को पकड़ेंगे, आगे 2 इंच लेंगे और यहाँ फ्रंट पल्ला से मिलाते हुए इस तरह से तिरछा फीता को रखेंगे, निशान बनाएंगे। ये है बैक पल्ला की ड्राइंग, ठीक है। ये बैक पल्ला के लिए मैं बढ़ती रखी हूँ, क्योंकि इसलिए बैठने से नीचे से खिंचावना है। अब यहाँ आसन मेरा टोटल 14 इंच पे आ रहा है ऊपर से लेके नीचे तक। उसके बाद में इसमें आगे से 2 इंच लेके हल्का सा यहाँ भी गोलाई दे दूंगी क्रोचेरिया के लिए। तो जैसे फ्रंट पल्ला में मैं दी थी बिल्कुल बैक पल्ला में भी क्रोचेरिया सेम आया, सिर्फ हाइट थोड़ा 2 इंच बढ़ती रहेगा बैक पल्ला में, ठीक है फ्रेंड। तो ये फ्रंट पल्ला का ड्रॉइंग देख लो। अब यहाँ से हमको इसको आधा करना है। जैसे फ्रंट पल्ला सामने से आपको 14 आ रहा है तो 7 आएगा हाफ, हाफ 7 लगाते हुए इस तरह से निशान को नीचे की तरफ ले जाना है। तो ये सेंटर पॉइंट का निशान होती है। तो हम पहले यहाँ पे सेंटर पॉइंट नीचे मोहरी तक लगाएंगे 7-7 इंच का, क्योंकि मेरा 7 इंच आ रहा है। अब इस तरह से फीता को सीधा ले जाएंगे, सीधा निशान बना देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। इस तरह से पहले निशान लगा के सेंटर बना लेना फ्रेंड। उसके बाद आपका जो भी मोहरी का चौड़ाई है उसका हाफ लगाना है। तो मेरा यहाँ पे 8 है तो 4-4 इंच पे निशान लगाऊंगी, ठीक है फ्रेंड। तो 8 इंच का हाफ 4-4 इंच पे निशान लगा दी हूँ इस तरह से। अब हम यहाँ हिप से लेके मोहरी तक फ्री हैंड से इस तरह से हल्का हल्का शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा ये गोलाई नहीं देना होता है। हल्का हल्का लूज पसंद है तो आप लूज इस तरह से दे सकते हैं, अगर चप्पा पसंद है तो ज़्यादा गहराई के निशान दे सकते हैं। अब क्रोच एरिया से लेके मोहरी तक इस तरह से फीता आपको सीधा रखना है, मगर सीधा बिल्कुल निशान नहीं देना है। थोड़ा सा इसमें फ्री हैंड से हल्का सा गोलाई देना है आपको यहाँ आसन से नीचे की तरफ में। देखिए फ्रेंड, इस तरह से अगर आप शेप देते हैं तो आपका ट्राउजर पैंट का निशान आसानी से आपका बन जाएगा। अब यहाँ फ्रंट पल्ला में बन गई है। अब बैक पल्ला की 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे आगे की तरफ से। सिर्फ बैक पल्ला का निशान हम लगाएंगे मोहरी से लेके यहाँ क्रोच एरिया से मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से अगर आप मिलाते हैं तो फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला दोनों निशान एक ही साथ आपका हो जाएगा।
इस तरह से कंफर्म हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद में हम दोनों साइड से कट कर लेंगे। तो ये बैक पल्ला के निशान पे मैं कट कर ली हूँ फ्रेंड। यहाँ कुछ ज़्यादा हवा चल रही है अभी कटिंग के टाइम में, थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा है। तो फ्रेंड यहाँ ड्राइंग के ऊपर जैसे ड्राइंग में की हूँ बैक पल्ला की, बिल्कुल वैसे ही कट करना है। अब बैक पल्ला की ड्राइंग के हिसाब से हमने कट कर लिया है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से अब आसान है, अब यहाँ से बैक पल्ला हम निकाल लेंगे। बैक पल्ला में कुछ नहीं करना है, बैक पल्ला की कटिंग हो गई। अब यहाँ पर हम फ्रंट पल्ला में जो निशान देख रहे हैं फर्स्ट बार जो किए थे ड्राइंग, उसी को कट करना है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड हम कट करेंगे। तो पहले ये निशान जो साइड से गया हुआ है उसको पहले कट करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ से निशान से आपको कट करते हुए बिल्कुल क्रोच एरिया में जो निशान देख रहे हैं वहाँ से कट करते हुए नीचे की तरफ आपको मोहरी तक मिला देना है। तो ये फ्रंट पल्ला की कंप्लीट हो जाएगी कटिंग। तो अंतर होती है फ्रंट पल्ला में बैक पल्ला में 2 इंच का साइड से, ठीक है फ्रेंड। क्रोच एरिया की तरफ से बढ़ती रहता है बैक पल्ला में, तो इससे क्या होता है पैंट घूमती नहीं है, एक समान रहती है। और क्योंकि लेडीज़ का जो पैंट होती है थोड़ा सा लूज होती है, तो ये बैक पल्ला है, बैक पल्ला में हमेशा 2 इंच बढ़ती रहती है, याद रखना फ्रेंड। इस फार्मूले से बड़ा छोटा आप जिस साइज़ के कटिंग करते हो आपका आसानी से कट हो जाएगी फ्रेंड, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड। आप मेरे बताए हुए फार्मूला से आप एक बार ट्राउज़र पैंट अकेले खुद से मेरा वीडियो देख के कट करना फ्रेंड, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि कपड़ा बहुत अच्छा से कट जाएगा। और आप सीकर पहन के बताना कि कैसा बना फ्रेंड। तो मेरा फार्मूला के हिसाब से आप बैक पल्ला फ्रंट पल्ला एक साथ कट करना फ्रेंड, 2 मीटर में आपका कटिंग हो जाएगी फ्रेंड। तो अगर ये तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि कैसा लगा ये आपको तरीका। कम समय में आपका ट्राउज़र पैंट कटिंग हो जाएगी फ्रेंड। तो मैं कोशिश की हूँ 7 मिनट में आपको कटिंग सिखाऊँ। इसमें अगर आप म्यानी लगाना चाहते हो तो म्यानी कट कर लेना। मैं म्यानी अभी कट करना नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में 3 वीडियो में मैं म्यानी कट करना सिखाई हूँ, इसलिए स्किप कर रही हूँ फ्रेंड। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करो, मैं सिखा दूँगी।